फ्लाइट में से निकल के सीधे यहाँ से जाना है। इस तरीके से वो टनल होती है, ये टनल में से हम जा रहे हैं। अब यहाँ से हमको अगर कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है तो पर्पल साइन को फॉलो करना है, कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं लेनी है तो फिर ऑरेंज फ्लाइट को, ऑरेंज साइन को फॉलो करना है। अभी हम टर्मिनल 5 पे हैं, हमको 5 से 3 पे जाना है। इस तरीके से जो भी साइन है उसको देखते जाए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल कनेक्टिंग फ्लाइट्स, ऑल कनेक्टिंग टर्मिनल्स, ऑल टर्मिनल्स पे जाएंगे। इस तरीके से ये ऑरेंज या येलो टर्मिनल या फिर पर्पल टर्मिनल को फॉलो, पर्पल साइन को फॉलो करते जाए। यहाँ से टर्मिनल 2 3। यहाँ से अभी तो स्ट्रेट जा रहे हैं हम टर्मिनल 3 की तरफ। अभी हम टर्मिनल 5 पे आए हैं, हमको यहाँ से जाना है टर्मिनल 3। सो स्ट्रेट जस्ट आपको सिंपल पर्पल साइन को फॉलो करते जाना है और इंस्ट्रक्शंस क्वाइट क्लियर है। लेट्स गो। आई थिंक इट विल टेक अराउंड 20 मिनट्स टर्मिनल 3 पे जाने के लिए। अभी जैसा कि यहाँ पे अगला साइन आप देखोगे, मुझे यहाँ से डाउन जाना है, मतलब मुझे यहाँ से स्टेयर के से लिफ्ट लेके नीचे बॉटम में जाकर बस पकड़ना पड़ेगी। सो इफ यू लुक एट दिस साइन, आई हैव टू गो बॉटम लेफ्ट, दिस इज द वन। सो यहाँ से लेते हैं एस्केलेटर, अगर आपको लिफ्ट लेना है तो वहाँ से लिफ्ट ले सकते हैं, और नहीं तो फिर सीधी है यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से अगर आपको टर्मिनल 4 पे जाना है तो आपको इधर मुड़ना है। एक अगला एक और बोर्ड लिखा है, अगर यहाँ से टर्मिनल 2 4, और क्योंकि हमको 3 जाना है इसलिए हम इधर जाएंगे। यहाँ पर आप पूरी आपकी फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, फ़्लाइट कनेक्शन इन्फॉर्मेशन, पूरी फ़्लाइट की कनेक्शन इन्फॉर्मेशन दी होगी, और आपका एक काइंड ऑफ फ़्लाइट चार्ट लिखा है जो डायनेमिकली डिस्प्ले होता रहता है। सिंपल थिंग इज़ आपको बस ये पर्पल साइन को फॉलो करते रहना है, क्योंकि अभी यहाँ पे टर्मिनल 3 के लिए पर्पल साइन है ये, और इसका मतलब ये कि हमें यहाँ पर इस गेट पे रुकना पड़ेगा। और जैसा कि इसमें यहाँ लिखा हुआ है बसेस टू
टर्मिनल 3, इट मीन्स इस गेट पर टर्मिनल 3 के लिए हमें बस मिलेगी और हमें बस पे बोर्ड करके टर्मिनल 3 जाना पड़ेगा। दिस इज़ वेर यू कैन फाइंड द बस इंफॉर्मेशन, दिस इज इट सेज दैट द बस विल गो एवरी 10 मिनट्स 5 to 8:30 एंड देन ऑन डिमांड बस सर्विस विल 8:30 to 11:30। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन।